ईस्टर का मतलब है जीवन, प्यार, विश्वास और आशाओं का पुनर्जन्म। यह ईश्वर में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आप सभी को ईस्टर पर्व की गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था की सीएम योगी ने की गहन समीक्षा। कहा, अपराधियों से निपटा जाए सख्ती से। समय पर कार्य पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नहीं आएगी नौबत। पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का रखे विशेष ध्यान। किसी भी योजना में शिकायत या लापरवाही की पुष्टि पर होगी कड़ी कार्यवाही। रविवार को सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। कहा, तुरंत होगी कड़ी कार्यवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो मृतक आश्रित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता धनराशि का प्रदान किया चेक। एक की कोरोना में पति व एक महिला के पुत्र का करंट लगने से हुआ था मौत। मामला गायत्री नगर झरना टोला का। मृतक आश्रित महिलाओं ने सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार। एटीएम कार्ड छीनने वाले दो शातिर लुटेरों को खजनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। गोरखपुर की महिला का चेन लूटकर बेचा था नेपाल में। 4 ATM, 6,000 नगद, 1 मोटरसाइकिल हुआ बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। एक क्विंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्तों को पेलीपार व लखनऊ SCF की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 4 मोबाइल किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में मनरेगा सेवकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रशिक्षकों द्वारा मनरेगा सेवकों को दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण। CDO ने कहा, अच्छा कार्य करने वाले मनरेगा सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। बंद घरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को रंगे हाथ खुराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 141.90 ग्राम सोने का आभूषण किया बरामद। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। सोमवार से जिले के 19 ब्लॉकों पर 23 अप्रैल तक अलग अलग दिन स्वास्थ्य मेले का किया जाएगा आयोजन। मेले में लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ईस्टर संडे। गोरखपुर में मसीही समाज के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित निकाली गई जीवंत झांकी। कहा, ईस्टर संडे पर एक दूसरे को बांटी जाती है खुशियां। अब खबरें विस्तार से। विकास परियोजनाओं की प्रगति हो या फिर कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें। विकास के जो भी कार्य चल रहे हैं उन्हें पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त रखें। उन कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार कानून व्यवस्था में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फरियादी को समय पर न्याय मिले और किसी के लिए संशय की गुंजाइश ना रह जाए। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को यह दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर कमिश्नरी सभागार में मंडल स्तरीय बैठक कर कानून व्यवस्था एवं विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की समयबद्धता पर दो टूक समझाते हुए कहा कि यदि कार्य समय पर पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नौबत नहीं आएगी। काम समय पर हो, पारदर्शी तरीके से हो और गुणवत्ता पूर्ण हो, इसके लिए प्रत्येक परियोजना में एक नोडल अधिकारी अवश्य नामित किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी तरह की शिकायत या लापरवाही की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले के विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा पुलिस के अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए, थानों पर आने वाले लोगों के लिए पेयजल, बैठने आदि की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही उनकी शिकायतों की सुनवाई संवेदनशीलता के साथ हो, थानों पर अनावश्यक पड़े सामानों का नियमानुसार निस्तारण किया जाए, पुलिस पेट्रोलिंग को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए, सप्ताह में एक दिन शहीद स्थलों, पर्यटन स्थलों पर पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति की धुन बजाई जाए। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ बचाव से संबंधित सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं, जनता को किसी भी प्रकार के नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए बरसात से पहले ही संवेदनशील बंधों की मरम्मत भी अवश्य करा लें। उन्होंने अफसरों को यह भी चेताया कि बरसात में महानगर में जलजमाव की स्थिति नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए समय से पहले नालों की तल्ली, झाड़, सफाई व अन्य जरूरी कार्य पूरा कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों से बेहतर संवाद स्थापित करते हुए माह में कम से कम एक बार उनके साथ बैठक करें। यह भी सुनिश्चित हो कि जनप्रतिनिधियों के फोन प्रॉपर अटेंड हो तथा उनका प्रॉपर रिस्पांस हो। सीएम योगी ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना हम सभी का दायित्व है। जनता के प्रति संवेदनशील होकर अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करें और दूरभाष के माध्यम से प्रकरण निस्तारण की जानकारी भी आवेदक से पूछें। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर जन समस्याओं का निस्तारण किया जाए, न्याय पाने का अधिकार सभी का है। सीएम योगी ने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय में बड़ी ताकत होती है, इसी ताकत का परिणाम है कि हम इंसेफेलाइटिस की समस्या को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रमों में भी अंतर विभागीय समन्वय की ताकत दिखानी होगी। इसके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम बनाए और संयुक्त चौपाल लगाकर महिलाओं से जुड़े मामलों का निस्तारण करें। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी व उसके मातहत कर्मचारी समय से कार्यालयों में उपस्थित होकर जन समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का एक रजिस्टर भी बनाया जाए तथा उसमें निस्तारण की स्थिति अंकित की जाए। इसके साथ ही अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की भी जनपदवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसके लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्कूलों में नामांकित बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बैग, पाठन सामग्री हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान सीएम योगी ने शिक्षा विभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प पर भी चर्चा की। उन्होंने कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों के सौंदर्यकरण पर विशेष जोर दिया ताकि विद्यालयों में कुछ नयापन दिखे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल से तमाम बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि जनपद में नगर निगम व ग्राम पंचायतों से 75-75 तालाबों का निर्माण कराया जाए। अमृत महोत्सव के तहत इन तालाबों को अमृत सरोवर का नाम दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम स्मार्ट विलेज की दिशा में काम कर सकते हैं, इसके लिए गांव का चयन किया जाए और वहां आवश्यक सुविधाओं का विकास कर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों के आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर सुनौली नौसर पैडलेगंज गोरखपुर वाराणसी मार्गों के निर्माण कार्य का हाल भी जाना। यह निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्थाएं तेजी से कार्य पूरा करें। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर मंडल में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इसे बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि व अधिकारी मिलकर इस दिशा में काफी बेहतर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु एक खाद का गड्ढा बनाया जाए। खाद गड्ढा होने से कचरे का निस्तारण तो होगा ही, खेतों के लिए कंपोस्ट खाद भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान, हर ग्राम पंचायत में सचिवालय की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण, स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन, मुसहर वनटांगिया बस्तियों में सुविधाओं के विकास, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड केबल आदि बिंदुओं की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक गढ़ फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, एडीजी अखिल कुमार,
कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह एवं कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कहा, सर 10 करोड़ से ऊपर की 33 परियोजनाएं जनपद गोरखपुर की चल रही है सर, उसमें सर दूसरा प्रश्न सर 11 कार्य संस्थाओं से 33 परियोजनाएं 1992 करोड़ रुपए की चल रही है सर, जिसकी प्रगति आगे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सर। सर इसमें कुल मिल होगी सर पेज नंबर 4 पैसा और इसमें अगले 100 दिन में सर 228 परियोजनाएं 2022 करोड़ की पूर्ण लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएंगी सर। ये गीडा से भी 50 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी सर, तो प्राधिकरण से करीब 150 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण होकर अगले 100 दिन में लोकार्पित होंगी सर। और नगर दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद के विकास कार्यों पर चर्चा थी, मंडल के जो भी हमारे जनपद हैं उन पर चर्चा हुई, जो पिछले गवर्नमेंट में कार्य हुए उस पर चर्चा हुई, आगे जो कार्य होने हैं, जो कार्य अभी लंबित हैं या जो कार्य अभी बाकी हैं उन्हीं विकास कार्यों पर चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा। अब देखिए योजनावार जब बैठक होती है, सड़कों का होता है, ताल पोखरा गांव की बात है, तमाम चर्चाएं जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है उन सभी विभागों की चर्चा हुई और बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई। ऐसा कोई नहीं, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि काम अच्छा है और अच्छा काम करें।
पूरे गोरखपुर मंडल का आज चारों जिले का प्रेजेंटेशन था। इसमें जो 50 करोड़ के ऊपर की काम है और जो 10 करोड़ के ऊपर की काम है, सभी कामों की पूरा एक प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि उसमें जो भी निर्देश जहाँ जहाँ कमी है उनको भी हमने बता दिया गया है, और जहाँ पे लैंड एक्विजिशन को लेकर के या पेड़ काटने को लेकर के कोई भी इश्यू है उसको भी उनके संज्ञान में रखा गया है। और जो रिवाइज एस्टिमेट जो शासन लेवल पे गया है उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया है कि रिवाइज एस्टिमेट क्यों बार बार बनते रहता है, क्योंकि जो काम जितने टाइम में ख़त्म होना है उसको ना ख़त्म करते हुए बार बार आप रिवाइज एस्टिमेट बना बना करके भेजा जाता है। इसको रोका जाए और आने वाले दिन में जितने भी काम होना है उसको बारिश के पहले ही ख़त्म किया जाए, और जो अर्थ वर्क है उसको बारिश के पहले ख़त्म कर दिया जाए, और बारिश के पीरियड में भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको तेज़ी से किया जाए, और अगले 100 डेज में जो काम हम लोगों को मतलब करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में रखा गया है। तो उसके साथ साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अभी तक का कार्रवाई हुआ है और मिशन शक्ति के तरफ जी और महिलाओं का सुरक्षा को लेकर के जो भी कार्य होना है उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बीच में जो भी दिशा निर्देश दिया है वो सब हम लोगों ने नोट किया है। एक समन्वय जो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में बनना चाहिए उसके लेकर के भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, हम लोगों ने उसको सब नोट किया गया है। सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि उनके दिशा निर्देश में जो भी अच्छे काम होगा हम लोग करेंगे। नहीं पूरे क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है और एक एक काम को लेकर के चर्चा हुई है, तो इस वजह से वो 3.5 घंटे के ऊपर चला है, और क्योंकि चारों जिले में बहुत ज़्यादा काम हो रही है सो एक एक काम के बारे में जब व्यापक चर्चा होगी इतना टाइम तो लगेगा। नहीं वो नाराज़गी केवल जो काम की तेज़ी को लेकर के हुआ है कि तेज़ी में जितना जो लेबर्स को लगना है उतना लेबर नहीं लगे हुए हैं, और जो ठेकेदार और जो विभाग के द्वारा जो लापरवाही किया जा रहा है जहाँ पे कम लोगों को लगा करके कि काम को स्लो हुआ है उसको लेकर के नाराज़गी व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि पूरा जल्द से जल्द वो काम सो दैट अर्थवर्क, क्योंकि 2 महीने के बाद बारिश के सीज़न शुरू हो जाएगा, उसके पहले अर्थवर्क नहीं कम्प्लीट होगा तो फिर काम अननेसेसरली डिले हो जाएगा, फिर उसका रिवाइज एस्टिमेट बन बन करके बार बार जाता है, इससे जनता को भी परेशानी होता है और उसके साथ आर्थिक चीज़ों में भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसको तत्काल में तेज़ी से किया जाए और किसी भी हालत में आगे की चीज़ों में रिवाइज एस्टिमेट ना बनाया जाए। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ प्रस्थान करने के पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में 200 की संख्या में महिला पुरुष फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अपराध व जमीनी विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए फरियादियों को आश्वस्त किया कि कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की पत्रियां उनके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहे और कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। रविवार को जनता दर्शन में राजस्व एवं पुलिस संबंधी काफी शिकायतें आई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए, जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिया जाए। उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया। रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ से बाहर आए तो शिवतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर पूजन किया, उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन कर ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद गौशाला में पहुंचकर तकरीबन 20 मिनट तक गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ को गौशाला में देख स्वतः स्फूर्त भाव से बछड़ों ने उन्हें घेर लिया। सीएम योगी ने दुलारते हुए उन्हें गुड़ और चना खिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण करते हुए साधना भवन पहुंचे तो उन्होंने कालू और गुल्लू पर भी अपना प्यार लुटाया। कालू और गुल्लू भी उनसे मिलकर प्रसन्न थे। सीएम योगी ने स्नेहिल भाव से दोनों को पुचकारा। क्या है कहाँ का मामला है
मृतक आश्रित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता धनराशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि पाने वाले में से एक कोरोना से मृत व्यक्ति की पत्नी शामिल है, जिन दूसरी महिला को आश्रित के रूप में सीएम के हाथों सहायता राशि मिली, उसके पुत्र की विद्युत स्पर्शघात से मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में कलावती देवी ने बताया कि मेरे पुत्र को करंट लग गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वह मजदूरी करके हम लोगों का खर्चा चलाता था। हम गायत्री नगर झरनाटोला के रहने वाले हैं। अभी तक किसी ने मेरी सहायता नहीं की थी। अब जब मुख्यमंत्री के द्वारा सहायता की जा रही है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वहीं दूसरी मृतक आश्रित महिला उर्मिला ने बताया कि मेरे पति की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई थी। मैं गायत्री नगर झरनाटोला की रहने वाली हूं। पिछले साल कोविड में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मुख्यमंत्री योगी के द्वारा 2 लाख की सहायता दी गई है, जो कि मेरे बच्चों के पढ़ाई में काम आएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक आश्रित महिला कलावती देवी और उर्मिला देवी ने कहा, तो सामने देखिए इंसान महाराज जी, महाराज जी थोड़ा सामने देखिए। बिजली से मर गया था, एक आकस्मिक मृत हो गया था। ये कहाँ से है? आज महाराज जी आपको चेक दिए? चेक दिए हैं। अच्छा, किस लिए दिया गया है? किस लिए दिया गया है? मैं हमारे बाबू के हाथी की हो गए, लाइन मार दिले। फिर नौकरी भी बात हाँ? नहीं सर, नौकरी नहीं, लेबर ही काम करते रहना। बाबू को हाथ गुड़ रहना है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के? उनके मिल गए बाबा, जाना चाहेंगे बाबा के लिए? प्रणाम करते, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। कलावती देवी। कहाँ के रहने वाली? गायत्री नगर। सर कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसके लिए। क्या नाम है आपका? कोविड में? हाँ, कोविड के समय हुआ था। आज आप आए थे यहाँ? नहीं, लास्ट 4 ईयर से तो कुछ नहीं कर रहे थे, कंप्लीट घर पे थे। उनको डायबिटिक फूट था पैर में, तो वो चल फिर नहीं पा रहे थे, तो घर पे ही रहते थे 4 साल से। उसके बाद फिर कोविड के समय उनकी डेथ हो गई। अच्छा, क्या वजह है? अच्छा लग रहा है आज की महाराज जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आपको सहायता दी गई? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया था, इतना किए तो बहुत है। मेरे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए उन लोग के काम आएगा, यही सब। क्या नाम है? क्या कह रहे हैं? सर उर्मिला। कहाँ की रहने वाली है? गायत्री नगर झरना टोला। खजनी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को एटीएम कार्ड छीने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को भ्यूरी चौराहे के पास से वहां चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धर्मेंद्र यादव पुत्र इंद्राशन यादव निवासी जंगल रमलखना महुआरी टोला थाना कोराबार जिला गोरखपुर, दूसरा संजय निषाद पुत्र भागवत निषाद निवासी जंगल
रमलखना सिपाही टोला थाना खोराबार जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 4 एटीएम कार्ड, 6000 नगद, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एसपी साउथ ने बताया कि जब एटीएम व पैसे के बारे में अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि साहब हम दोनों लोगों का एक गिरोह है जो एक साथ मिलकर भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर हेलमेट लगाकर लूट करते हैं तथा एटीएम पर जाकर धोखे से एटीएम उपयोगकर्ता का एटीएम बदल देते हैं, उनका पिन देख लेते हैं, तब उन्हीं कार्डों से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। यदि एटीएम लेने में समस्या उत्पन्न होती है तो जबरदस्ती हम लोग छीन लेते हैं तथा मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। दिनांक 16 अप्रैल को एसबीआई एटीएम खजनी से एक व्यक्ति का पहले उसका पिन जानकर फिर उसका एटीएम कार्ड छीनकर मोटरसाइकिल से भाग गए थे और 17 मार्च को हम लोग मोटरसाइकिल से सहसी पुलिया से पहले मंदिर के पास एक महिला से सोने की चेन छीन लिए थे जो ले जाकर नेपाल में 40,000 में बेच दिए थे। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में खजनी थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज, वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश बहादुर सिंह, उपनिरीक्षक बबलू कुमार, कांस्टेबल आशीष यादव, गौतम जायसवाल, सुनील यादव, अमलेश यादव, इम्तियाज अहमद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कल थाना खजनी में, जो कस्बे खजनी में एसबीआई का एटीएम लगा हुआ है एसबीआई बैंक के पास, वहाँ से हेलमेटधारी दो बाइक सवार आए। एक व्यक्ति जो उसमें से एटीएम से पैसे निकालने गया था, एक आदमी उसमें हेलमेट लगाए उसके अंदर घुसा और उससे एटीएम बदलने का उसने प्रयास किया। इसी बीच उस व्यक्ति को पता चल गया कि लगता उसने एटीएम बदल लिया है और उसने इनसे धरपकड़ भी करनी चाहिए, लेकिन वो अकेला था और ये भाग गए। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया था और तब से ही लगातार खजनी पुलिस इनके तलाश में थी। आज संजोग से चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को, संदिग्ध व्यक्तियों को जब पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये इनका दोनों का एक संगठित गिरोह है और दोनों मिलकर के हेलमेट पहन के, ताकि हुलिया छिपा रहे, ये स्नेचिंग का भी धंधा करते हैं और एटीएम कार्ड बदल लेते हैं धोखे से। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कभी कभी हम कहीं सुनसान में अगर कोई एटीएम मिला जहां कोई और व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति से एटीएम कार्ड छीन भी लेते हैं और जब तक वो अपना एटीएम ब्लॉक करे या पुलिस को सूचना दे, बैंक को सूचना दे, तो चूंकि पिन ये पीछे से पढ़ लेते हैं जब वो पैसा निकाल रहा होता है, तब तक दूसरे किसी न किसी एटीएम से ये पैसे निकाल लेते हैं। इनसे पूछताछ में खजनी क्षेत्र की ही एक चेन स्नेचिंग की घटना, जो महिला अपने पति के साथ जा रही थी उसकी चेन छीना था, वो भी इन्होंने स्वीकार किया है। और कल जो एटीएम लूट हुई थी जिसमें उसने इनकी गाड़ी का नंबर देख लिया था, वो गाड़ी नंबर ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था, उस आधार पे हम चेकिंग में थे, तो वो गाड़ी भी पकड़ी गई। और कल जो एटीएम इन्होंने उससे बदल लिया था वो एटीएम भी बरामद हुआ है, कुछ और एटीएम इनसे बरामद हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि आगे विवेचना से वो एटीएम कार्ड भी कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे यदि उन लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया होगा। उनके बताने के हिसाब से उन्होंने कम से कम 6-7 लोगों को इस तरह से एटीएम कार्ड बदल लिया है। जेल जाने की जानकारी अभी इसके पहले इनके बारे में नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक ये पुलिस के हत्थे इन सब घटनाओं में नहीं आए थे, लेकिन इनकी छानबीन की जा रही है कि ये जो बता रहे हैं कि इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो उसके लिए अन्य थानों से, त्रिनेत्र से ये सब जानकारी की जा रही है।
जो इनका आपराधिक इतिहास है उसमें से एक संजय निषाद है, ये पोक्सो एक्ट में इससे पहले चौरी चौरा से जेल गया है। ये दो घटनाएं इसकी यही की हैं, खजनी की, एटीएम कार्ड बदल लेने की और चेन छीन लेने की, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। बेलीपार पुलिस व लखनऊ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने दो अभियुक्तों को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि बनारस की ओर एक गाड़ी से दो व्यक्ति गांजा लेकर गोरखपुर की ओर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए बेलीपार के पहले निर्माणाधीन पुल के पास गाड़ियों की चेकिंग प्रारंभ की गई। चेकिंग के दौरान 16 अप्रैल की शाम बनारस की तरफ से आ रही गाड़ी को रोककर चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान दीपक कुमार पुत्र ज्ञानचंद प्रसाद निवासी सरसिया थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर, दूसरा राहुल प्रसाद पुत्र विशेंद्र निवासी सरसिया थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर के रूप में हुई। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इसमें तरबूज कद्दू नारियल के नीचे गांजे के पैकेट छुपाए गए हैं। गाड़ी में अवैध गांजा होने की बात पता चलने पर क्षेत्राधिकारी खजनी से संपर्क कर मौके पर आने का अनुरोध किया गया। क्षेत्राधिकारी खजनी मौके पर आए और खुद की निगरानी में गाड़ी की तलाशी कराई। गाड़ी में कुल 99 पैकेट जिन पर टेप चिपकी हुई थी बरामद। गांजे का वजन करने हेतु पास की दुकान से कांटा मंगवा कर बरामद पैकेटों का वजन किया गया तो 1 क्विंटल 15 किलोग्राम गांजा, 1 पिकअप, 4 मोबाइल बरामद हुआ। एसपी साउथ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलीपार थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, कांस्टेबल रितेश, महिला कांस्टेबल निष्ठा सुमन, लखनऊ एसटीएफ के उप निरीक्षक पवन कुमार, कांस्टेबल लखनऊ एसटीएफ आलोक कुमार पांडे, शैलेंद्र कुमार उपाध्याय कृष्णगिरी, सुधीर कुमार कांस्टेबल चालक चंद्रभान शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, एसटीएफ के पास एक सूचना थी जिसके आधार पर इंस्पेक्टर बेलीपार और उनकी टीम तथा एसटीएफ की टीम गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पे चेकिंग कर रहे थे। बेलीपार के पास एक गाड़ी टाटा योद्धा जिसमें कद्दू, लौकी, नारियल, तरबूज ये सब लदा हुआ था, उस गाड़ी को जब इन लोगों ने मुखबिर की सूचना पर रोका तो ज्ञात हुआ कि इसमें गांजा भी छिपा के ले जाया जा रहा है। तत्काल एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीओ खजनी को भेजा गया, क्योंकि सीओ बासगांव वीआईपी ड्यूटी में थे। उनके सामने जब इस गाड़ी की तलाशी हुई तो सब्जी जो मैंने आपसे बताया कि कद्दू, तरबूज, नारियल के बीच में 83 पैकेट 1 केजी के और 16 पैकेट 2 केजी के गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 1 क्विंटल 1500 ग्राम है। दो व्यक्ति पकड़े गए, दीपक कुमार और राहुल प्रसाद,
दोनों कुशीनगर के हैं और वो गाड़ी पुलिस कब्जे में ली गई जिसमें ये मादक पदार्थ छिपा के ले जाया जा रहा था। पूछताछ में ये पता चला कि इस पूरे गेम का जो सरगना है वो मिंटू है, ये भी कुशीनगर का है और वही ये गांजा मंगाता है, उसी के नाते ये लेकर के जा रहे थे। वस्तुतः ये दोनों तो उसके कारिंदे हैं। हमारे पूछताछ के आधार पर मिंटू भी हमारा वांछित है, अतिशीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूरा करके इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आज हम न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के लिए इनको अभी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था की सीएम योगी ने की गहन समीक्षा। कहा अपराधियों से निपटा जाए सख्ती से, समय पर कार्य पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नहीं आएगी नौबत। पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का रखे विशेष ध्यान। किसी भी योजना में शिकायत या लापरवाही की पुष्टि पर होगी कड़ी कार्यवाही। रविवार को सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। कहा तुरंत होगी कड़ी कार्यवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो मृतक आश्रित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता धनराशि का प्रदान किया चेक। एक की कोरोना में पति व एक महिला के पुत्र का करंट लगने से हुआ था मौत। मामला गायत्री नगर झरना टोला का। मृतक आश्रित महिलाओं ने सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार। एटीएम कार्ड छीनने वाले दो शातिर लुटेरों को खजनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। गोरखपुर की महिला का चेन लूटकर बेचा था नेपाल में। 4 ATM, 6,000 नगद, 1 मोटरसाइकिल हुआ बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। एक क्विंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्तों को पेलीपार व लखनऊ SCF की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 4 मोबाइल किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में मनरेगा सेवकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रशिक्षकों द्वारा मनरेगा सेवकों को दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण। CDO ने कहा अच्छा कार्य करने वाले मनरेगा सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। बंद घरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को रंगे हाथ खुराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 141.90 ग्राम सोने का आभूषण किया बरामद। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। सोमवार से जिले के 19 ब्लॉकों पर 23 अप्रैल तक अलग अलग दिन स्वास्थ्य मेले का किया जाएगा आयोजन। मेले में लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ईस्टर संडे। गोरखपुर में मसीही समाज के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित निकाली गई जीवंत झांकी। कहा ईस्टर संडे पर एक दूसरे को बांटी जाती है खुशियां। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में मनरेगा सेवकों के कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मनरेगा में कार्य करने वाले रोजगार सेवकों की कार्यशाला संपन्न हुए, जिसमें सभी रोजगार सेवकों को प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें रोजगार सेवकों को मनरेगा के कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि किस तरह से निर्धन परिवार के लोगों को 100 दिन का रोजगार दिलाया जा सके, जिससे कि गाँव के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि गांव में होने वाले कार्य, स्कूल का मैदान, खेल का मैदान, कायाकल्प, चारागाह, तालाब निर्माण, जल निकासी, नहरों की सफाई, सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट के कार्य को इस साल तक पूरा करना है, जो कि रोजगार सेवकों को बताया गया है। उन्होंने कहा बरसात से पहले 60% लेबर के बजट को यूज करना है और साथ ही मनरेगा सेवकों की समस्याओं को सुना है। जो अच्छा कार्य करेगा उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, उसके चिकित्सा के लिए, बीमा के लिए, श्रम के लिए और पानी पीने के लिए, इन सारे के लिए हम उसको केसीसी के द्वारा लोन दिला सकते हैं। से उसको 1,60,000 आगे बताऊंगा 1,60,000 रुपए तक, 1,60,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के उसको लोन दिया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा इसमें। इतना सस्ता लोन कहीं नहीं है। केसीसी में उसको सिर्फ 4% लोन देना है, वो भी उसी पैसे पे लगता है जितना पैसा वो गारंटी ने देनी है। अगर वो मछली पालन करता है तो 2,00,000 रुपए तक, अगर किसान है और वो पशुपालन भी करता है और किसान ने एग्रीकल्चर के 50,000 रुपए लिया हुआ है या 2,00,000 रुपए लिया हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो 1,00,000 रुपए अगर वो पशुपालन का काम करता है तो 1,00,000 रुपए उसको और मिलेगा पशुपालन के नाम के लिए। प्रति पशु वो 40,000 रुपए देते हैं। हर बैंक दुधारू पशु के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए लोन देती है। अगर आप 4 पशु हैं तो आप 1,60,000 रुपए तक ले सकते हैं। सारे कागज इसमें लगाने हैं आईडी के लिए, जो चुनाव में होता है आईडी होती है, ये आधार होता है, पैन होता है या आपका वोटर कार्ड होता है, यही सारे चीज, निवास प्रमाण पत्र होता है, यही सारे कागज आपको लगाने हैं। तो नहीं लगाएंगे, ये एक अंडरटेकिंग आपको देनी होती है। ये एक बैंक का वो रूल है जिसको आप किसी भी काम के लिए जो लोन लेते हैं आपको उसी में पैसा लगाना होता है। बहुत आसानी से बैंक में जमा हो जाता है। आपके पास का जो बैंक होगा, जहां आपका खाता होगा, वहां उसका उस बैंक में आप लोगों को मोटिवेट करें कि वहां वो जाएं और ये। थैंक यू, धन्यवाद सर। आप लोगों ने जनपद में हम लोग करना है और उसके सापेक्ष जो है पौध उगाने का काम लगभग पूर्ण हो गया है, उसकी निराई गुड़ाई और रक्षण काम चल रहा है। तो आप लोगों को फिर से आप तैयार करें ताकि जो वहाँ की जलवायु है, मिट्टी की जो रूप है, उसी अनुरूप हम लोग पौध आप लोग को दें और आप लोग उसको उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा। सिमिलर है गड्ढा खोद के छोड़ना, मिट्टी जो है अपने तत्व ग्रहण कर लेती है, पानी है, धूप है और अन्य तत्व जो है उसमें चले जाते हैं। जो खेती की हालत हो रही है, पहली बात सबसे बड़ा प्रभाव किसान की आमदनी में पड़ रहा है, दूसरा उससे भी बड़ा प्रभाव जो है वो हम सबकी स्वास्थ्य में पड़ रहा है। तो हमारा अंदर का नाली जाम नहीं होगा, ये मैं प्रयोग अपने सरदार नगर ब्लॉक में एक गाँव है सर इब्राहिमपुर में, तो वहाँ पे प्रधान जी खुद बहुत ज्यादा वो उत्साहित थे कि सर इनको प्राप्त करिएगा। एक फिजिकल कॉपी में अनुरोध करूंगा, सभी वीडियो इनको फिजिकली प्रिंट आउट कर लेके दे दें। सारे विषय के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अभी तक के जितने भी हमारे वर्क प्लान, डिज़ाइन, एस्टिमेट्स दिए गए थे उसकी एक कॉपी आपको दी गई है खंड विकास अधिकारी द्वारा। कितने लोगों को हमारे सारे जितने भी संपत्तियों के बारे में आज बताया गया है, चाहे वो खेल मैदान हो या चारागाह निर्माण हो, वृक्षारोपण हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन, बकरी पालन हो, तमाम तरह के करीब 20 से ज़्यादा संपत्तियों के बारे में बताया गया था, दिया गया था, लिखित में जारी किया था, उसकी कॉपी मिली है, निसंकोच होकर हाथ उठा के बताइएगा। अगर मिला है, नहीं मिला है तो महात्मा उठाइएगा, नहीं मिला है, ज्यादातर लोगों को नहीं मिला है, तो खंड विकास अधिकारीगण
ये दर्शाता है कि आपका समन्वय कैसा है, आपका खंड विकास कार्यालय का माहौल क्या है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है। गांव की कड़ी को, जो आपके हाथ और पैर हैं, उनको अगर योजनाओं की जानकारी नहीं होगी और एक कॉपी फिजिकल भी नहीं मिलेगी। आज रोजगार सेवक जो मनरेगा में हमारे हर गांव में काम करते हैं, इनका एक कार्यशाला ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कराया गया। सारे रोजगार सेवक को गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशंस दी गई है अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसमें इनके खुद के कार्य और मनरेगा में जो इस साल का बजट, उसमें क्या विजन है और किन किन परिसंपत्तियों का सृजन करना है, किस तरह से डिमांड कैप्चरिंग करके जो अति निर्धम परिवार हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिलाना है, और गाँव में हर गाँव में परिसंपत्तियाँ सृजन हो, जिसमें मुख्यतः हमने जो परिसंपत्तियाँ हैं उसमें खेल के मैदान लिए हैं, स्कूल का कार्यकल्प लिया है, आंगनबाड़ी का कार्यकल्प लिया है, चारागाह लिए है, तालाब निर्माण लिया है, और इस तरह से तकरीबन 25 परिसंपत्तियां जिसमें जल निकासी भी है, नदियों का सफाई, जो हमारी नहरें हैं उनकी सफाई है, सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट हैं, ये लिए हैं। इनमें सारे रोजगार सेवक को बताया गया है कि ये प्रायोरिटी के काम है और इसको इस साल हमने अचीव करना है। बरसात से पहले जो है 60% लेबर का जो हमारा बजट है उसको यूज़ करना है। इस तरह से बहुत डिटेल डिस्कशन करते हुए और उनकी जो समस्या है उसको भी सुना गया है और उसका निस्तारण भी किया गया यहीं पे, और ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप की गई है, और जो फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे अगली वर्कशॉप में उनको एप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए जाएंगे। खोराबार पुलिस ने एक सातिर चोर को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संदीप गौड़ पुत्र स्वर्गीय हरिलाल गौड़ निवासी दंतरंगवा थाना तितरी बाजार जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता काशीराम आवास कॉलोनी ब्लॉक जे थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि जनवरी महीने में ग्राम जंगल सिकरी, मार्च महीने में ग्राम जंगल सिकरी टोला बिन टोलिया तथा रामगढ़ उर्फ रजही थाना खुराबार से तथा रामगढ़ताल क्षेत्र अंतर्गत अप्रैल माह में आजाद नगर पूर्वी से तथा अप्रैल माह में ही साकेत नगर रामगढ़ताल व मार्च माह में भरवलिया बुजुर्ग रामगढ़ताल से एक बंद मकान में घुसकर पेचकस की सहायता से ताला तोड़कर नकदी व जेवरात चोरी किया था तथा गीडा से वर्ष 2021 सितंबर माह में बुकटा चौराहे के पास स्थित एक मकान में तथा वर्ष 2022 जनवरी माह में शाही होटल गीडा के पास स्थित एक मकान में तथा वर्ष 2022 अप्रैल महीने में तेलियाडीह स्थित एक मकान में रात्रि में घुसकर दरवाजे का ताला तोड़कर कुछ नगद पैसा व जेवरात चोरी किया था। जब चोरी किए गए माल व नगद पैसे के संबंध में पूछा गया तो बताया कि नगद पैसा खाने पीने व नशा करने व कर्जा बांटने में खर्च हो गया है तथा जेवरात के संबंध में बताया कि कुछ जेवरात राह चलते राहगीरों को बेचकर मैंने पैसा लेकर खर्च कर दिया है तथा कुछ जेवरात मैं अपने काशीराम आवास कॉलोनी में अपने कमरे के अलमारी के लॉकर में छुपाकर सुरक्षित रखा हूं, जिसके निशानदेही पर खुराबार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को लेकर उसके घर जो काशीराम आवास कॉलोनी में स्थित है वहां पहुंची। अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर अलमारी के लॉकर को खोलकर एक बड़े पॉलिथीन के अंदर छोटे छोटे पीले पॉलिथीन में रखे जेवरात को दिखाया, जिसे उसकी पत्नी की उपस्थिति में पुलिस कब्जे में लेकर बारी बारी खोलकर देखा गया तो उसके पास से 13 पीस सोने की अंगूठी, गले का 1 पीस सोने का हार, सोने का 1 पेंडल सेट, 1 पीस मांगटी का सोने का नथिया व लरी, 1 पीस सोने का कान का झाला, 8 कनौती, 2 पीस सोने का कान की बाली, 4 सोने का कान की सुई धागा, 8 पीस सोने का कान का टप्स, 4 सोने का छोटा टुकड़ा सोने का 1 पीस बरामद हुआ है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, वीरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल कौशल यादव, कांस्टेबल अनुराग सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कैमरा पीछे चलो।
बीती रात थाना खोराबार क्षेत्र के सिकटौर गांव में एक चोर जो मूल रूप से सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है लेकिन यहां रामगढ़ ताल में अस्थायी रूप से रहता है किराए के मकान में, ये किसी घर में घुसा और वहां से चोरी किया था। लेकिन ग्रामीण जाग गए और उसे इसे दौड़ा के पकड़ लिया और चोरी की गई जो सोने की ज्वेलरी थी वो उसने बरामद कर लिया और पुलिस के पास सपोर्ट किया। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो पता चला कि ये अकेला चोर है जिसके गैंग में कोई और नहीं मेंबर है और ये घरों में इसी तरह से घुसता है और चोरी करता है। लगभग 7 लाख रुपए की ज्वेलरी इससे बरामद हुई है जिसमें 4 मुकदमे तो खोराबार थाना क्षेत्र के हैं, 3 मुकदमे रामगढ़ ताल क्षेत्र के हैं और 3 मुकदमे गीडा से संबंधित हैं। तो इस तरह से ये सिंगल मैन का गैंग है, गैंग क्या कहा जाएगा, जो सुनसान घरों में या फिर सोते समय लोगों के बड़ी सतर्कता से घुस जाता है और ज्वेलरी पर ही हाथ साफ करता है। तो लगभग 10 मुकदमे इसके अभी तक के प्रकाश में आ चुके हैं, आगे पूछताछ में और जानकारी की जाएगी किसने कहां कहां घटनाएं की हैं। वैसे इसे खुद भी याद नहीं है किसने कितनी घटनाएं की हैं लेकिन जो पुलिस में रिपोर्टेड केस हैं वो संख्या दहाई में पहुंच रही जो अब तक पता चल चुके हैं, आगे और कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अभी इसे न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद के सभी ब्लॉकों पर 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सोमवार से ब्लॉक स्तरीय एक सप्ताह का स्वास्थ्य मेला लगेगा जो कि जिले के 19 ब्लॉकों पर लगेगा जिसमें सभी चिकित्सक की सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मेले में 10 अलग अलग प्रमुख विभाग के स्टॉल भी लगेगा जिससे कि ऐसी जगह पर जनता को 10 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा सके। सीएमओ ने कहा कि सोमवार को 4 ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला लगेगा, उसके बाद हर दिन 3-3 ब्लॉकों पर 23 तारीख तक मेला लगेगा जिसका उद्घाटन जिले के सांसद और विधायक अलग अलग दिन करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मेले का अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं जिससे कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कल से ब्लॉक स्तरीय एक सप्ताह का मेला लगेगा जिसमें जनपद के जितने भी 19 ब्लॉक हैं हर ब्लॉक पर मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें समस्त चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ जितने भी 10 प्रमुख विभाग हैं उन विभागों के सहयोग से मेला लगाया जाएगा जिससे कि एक छत के नीचे जनपद में जितनी भी सुविधाएं हैं सबका जानकारी आम जनता को मिल सके और इसके साथ साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा का हो सके। गोरखपुर की बात अगर करते हैं तो पहले दिन 4 ब्लॉक में मेला लगेगा, उसके बाद जो है 23 तारीख तक जो है प्रत्येक दिन जो है 3-3 ब्लॉक पर मेला लगेगा जिसका उद्घाटन जो है माननीय सांसद और माननीय विधायक और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा जिसकी पूरी तरह से बृहद तैयारियां चल रही हैं और कल से हम लोग ये मेला करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ करके मेले में हिस्सा लें, मेले का भागीदार बने और विकास के पथ पर गोरखपुर को आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सर मेले का उद्देश्य क्या है? मेले का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना, इसके साथ ही समाज कल्याण की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विस्तार देना। सर कितने तारीख तक ये मेला है? ये मेला जो है कल 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक लगेगा। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार ईस्टर संडे प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद हर साल ईस्टर संडे को मनाया जाता है। बाइबल में लिखा है कि सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद प्रभु यीशु पुनः जीवित हो गए थे। इस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर संडे को ईसाई धर्म में ईस्टर संडे को खजूर इतवार, पवित्र इतवार और सनराइज सर्विस भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि ईस्टर शब्द से ईस्टर शब्द की उत्पत्ति हुई है। पवित्र सप्ताह ईस्टर के लिए अग्रणी सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। यह पाम संडे से शुरू होता है।
सोमवार, गुरुवार, गुड फ्राइडे और फिर अंत में ईस्टर संडे आता है। मध्यकालीन समय में गिरजाघर के पुजारी लड़कों को एक उबला हुआ अंडा देते थे और इसके साथ ही कोई टास्क भी देते थे। जो ये टास्क पास करता था उसे अंडा खाने को मिलता। ईस्टर संडे को अंडे को प्रजनन क्षमता के प्राचीन प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साथ ही बसंत ऋतु का आगमन और यीशु के पुनर्जन्म लेने के लिए माना जाता है। क्रिश्चियन ईस्टर पर नए कपड़े पहनते हैं तो पूरे वर्ष उनको शुभकामनाएं मिलती हैं। ईस्टर रविवार के दिन सभी गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं और रात में जागरण व ईसाई धार्मिक परंपराएं निभाते हैं। ईसाई मान्यता के अनुसार ईस्टर संडे को घर सजाकर रात्रि में मोमबत्तियां जलाना और अपने मित्रों में इन्हें बांटना अत्यंत शुभ माना जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि जब प्रभु यीशु पुनः जीवित हुए तो वह अपने दोस्तों के साथ रहे और उन्होंने क्षमा का महत्व बताया और 40 दिन बाद, जिसे लेंट कहा जाता है, वह स्वर्ग में चले गए। दुनिया भर में कई ईसाई विशेष चर्च सेवाओं, संगीत, मोमबत्ती की रोशनी, फूलों और चर्च की घंटियों के साथ ईस्टर मनाते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह को याद करने के लिए खुशी और उत्सव मनाने का दिन है। मैरी मैग्डलिन कब्र में यीशु को दफनाया गया था और रविवार को जब उसे खोला गया तो वह खाली था। एक स्वर्गदूत ने उसे बताया कि यीशु उठ गए हैं। तब से इस दिन को ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर अंडे और ईस्टर बनी दोनों ईस्टारा की दावत का प्रतीक है। अन्य प्रतीकात्मक समानताएं बसंत के उगते सूरज, चर्चों में मोमबत्तियों की रोशनी, चित्रों या मूर्तियों के माध्यम से यीशु मसीह के क्रॉस और चित्रों का प्रतीक ईस्टर दिवस पर याद किया जाता है। इसी के मद्देनजर गोरखपुर में मसीही समाज के द्वारा ईस्टर दिवस पर जीवंत झांकी निकाला गया, जिसके संबंध में सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर के इंचार्ज रेवरेंट संजय विसेंट ने बताया कि ईस्टर के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु के जीवन पर उनके जन्म से मरण तक और पुनर्जीवित होने तक को झांकी के रूप में जुलूस निकाला जाता है और जनपद के सारे चर्च के द्वारा मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और एक दूसरे को खुशी बांटी जाती है। यह यात्रा बशारतपुर सेंट थॉमस चर्च से निकलकर शास्त्री चौक पर जुलूस का समापन होगा। झांकी जुलूस में गोरखपुर के सभी कलीसिया चर्च अपना योगदान यीशु के जीवन पर आधारित एक झांकी के रूप में देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर के इंचार्ज रेवरेंट संजय विसेंट ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पर्व है। प्रभु यीशु मसीह ने
रेवरेंड संजय विंसेंट प्रेसबिटर इंचार्ज सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर गोरखपुर। ये ईस्टर पर्व की यात्रा है प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की खुशी में। 2022 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सेंट जॉन चर्च बशारतपुर गोरखपुर और गोरखपुर के सारे चर्चेस के द्वारा मिलकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। आपसी खुशी बांटी जा रही है। बस ये बशारतपुर स्कूल गर्ल्स स्कूल प्लेग्राउंड से निकला क्राइस्ट चर्च तक जाएगा और वहां पर इसका समापन हो जाएगा। उद्देश्य भाईचारा बना के रखना और जवान बच्चों के अंदर आत्मिक संस्कार का को आगे बढ़ाना ताकि वो विश्वास को समझ सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था की सीएम योगी ने की गहन समीक्षा। कहा अपराधियों से निपटा जाए सख्ती से। समय पर कार्य पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नहीं आएगी नौबत। पारदर्शिता गुणवत्ता और समयबद्धता का रखे विशेष ध्यान। किसी भी योजना में शिकायत या लापरवाही की पुष्टि पर होगी कड़ी कार्यवाही। रविवार को सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। अपराध संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिया भरोसा। कहा तुरंत होगी कड़ी कार्यवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो मृतक आश्रित महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता धनराशि का प्रदान किया चेक। एक की कोरोना में पति व एक महिला के पुत्र का करंट लगने से हुआ था मौत। मामला गायत्री नगर झरना टोला का। मृतक आश्रित महिलाओं ने सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार। एटीएम कार्ड छीनने वाले दो शातिर लुटेरों को खजनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। गोरखपुर की महिला का चेन लूटकर बेचा था नेपाल में। 4 ATM, 6,000 नगद, 1 मोटरसाइकिल हुआ बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। एक क्विंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्तों को पेलीपार व लखनऊ SCF की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 4 मोबाइल किया बरामद। SP साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में मनरेगा सेवकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। प्रशिक्षकों द्वारा मनरेगा सेवकों को दिया गया विस्तृत प्रशिक्षण। CDO ने कहा अच्छा कार्य करने वाले मनरेगा सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। बंद घरों में चोरी करने वाले शातिर चोर को रंगे हाथ खुराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। 141.90 ग्राम सोने का आभूषण किया बरामद। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। सोमवार से जिले के 19 ब्लॉकों पर 23 अप्रैल तक अलग अलग दिन स्वास्थ्य मेले का किया जाएगा आयोजन। मेले में लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ईस्टर संडे। गोरखपुर में मसीही समाज के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित निकाली गई जीवंत झांकी। कहा ईस्टर संडे पर एक दूसरे को बांटी जाती है खुशियां। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।